श्रवण मास के पहले सोमवार पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो शिवालय हैं जिले के सभी जगह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और खास करके अचलेश्वर महादेव मंदिर है जिनको ग्वालियर के महाकाल कहा जाता है, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से लाइन में लगे हुए हैं जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ पर इंतजाम माकूल किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। पंडित जी, इस बार दो सावन पड़े हैं, किस तरह से क्या भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं लोग, क्या है, क्या खुशी की और हर्षोल्लास और धार्मिकता है? अब की बार जो है श्रावण दो महीने का है, एक जो है श्रावण है, दूसरा अधिक बात श्रावण है, इसलिए जो है दो महीने का श्रावण है। भक्त लोग बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ का दर्शन अभिषेक कर रहे हैं और सुबह से हमारे मंदिर पर जो है भीड़ लगी हुई है करीब 3 बजे से और रात के 12 बजे तक भीड़ ऐसी निरंतर चलेगी। लेडीजों की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है, बड़े प्रेम से लोग दर्शन कर रहे हैं। बाउंसरों की जो है व्यवस्था की गई है जिससे किसी तरह का झगड़ा फिसाद ना हो और लोग प्रेम से दर्शन कर सकें। बिल्कुल, अचलेश्वर महादेव मंदिर की बड़ी अपने आप में एक पूरे अंचल में ख्याति है, पूरे प्रदेश में ख्याति है। कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आप भी दर्शन करने आए हैं? लाखों की संख्या में यहाँ पे सुबह से तांता लगा हुआ है यार, रात को 2-3 बजे से ही मंदिर खुला हुआ है तो रात को पूरी रात से दर्शन लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ग्वालियर के जो महाकाल कहे जाते हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर पर, यहाँ सुरक्षा के 3 चक्रीय जो इंतजाम किए गए हैं, यहाँ से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जो वाहन चालक है उनके वाहनों को दूर रखा गया है ताकि जो श्रद्धालु है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और इसके साथ साथ मंदिर जो प्रशासन है उसने भी भक्तों के दर्शन आसानी से हो सकें इसकी भी माकूल इंतजाम किए हैं। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।